स्पेशल स्क्रीनिंग पर अनुभव सिन्हा, वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, हुसैन एंड टीना एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रितेश एंड जुनीलिया। तो दूसरी स्क्रीनिंग पर राज ठाकरे, संजय कपूर एंड फ्यू अदर्स। ले 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 भारी मस्ती ची पिचकारी सोड़ी ला गुलाल रे। वेल, ये दो स्पेशल स्क्रीनिंग्स हुई इस फ्राइडे रिलीज हो रही रितेश देशमुख की मराठी फिल्म लय भारी के प्रीव्यूज के लिए, जिसे रितेश ने प्रोड्यूस भी किया है और इसमें सलमान खान भी नजर आने वाले हैं डूइंग अ कैमियो। सलमान भाई की जो एंट्री होती है और जो रितेश और सलमान करते हैं वो माइंड ब्लोइंग है और मजा आ गया। इट्स अ स्पेशल सीन बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट सीन विद सलमान। मेरे बचपन के दोस्त बहुत दिनों बाद मिले। अच्छा, तो बहुत दिनों बाद मिले। बचपन में, हाँ, बचपन से पिछड़ गए थे, आज यहाँ पर मिले तो खुशी सेलिब्रेट हो रही। पिक्चर के बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रहा। से इस साल ग्रैंड मस्ती, हम शकल्स और एक विलन के बाद अब रितेश की लय भारी को भी मिल रहे हैं काफी अच्छे रिस्पॉन्स। फर्स्टली बाय दीज जी टाउनर्स। घंटा ना है तर घंटा ना है, ये वाली फिल्म है जिसको देख के हम बड़े हुए हैं। और यू नो वो जो कि मतलब मार वाला फिल्म है, तो बहुत मजा आया। और यू नो रितेश तो फैमिली है मेरे लिए, सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम। एंड लगता है कि हम शकल विलेन और अब तीसरी यू नो सुपर हिट के लिए भी तैयार है हम लोग। स्ट्रेंज ऑलराउंडर, कॉमेडी, बिकमिंग अ विलेन, बीइंग अ हार्डकोर कमर्शियल मराठी फिल्म लाइक दिस, प्रोड्यूसिंग, बिकमिंग अ डैड सून, सो ही इज हैविंग अ बॉल ऑफ अ ईयर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बाय रितेश's फैंस, जिसका अंदाजा आप स्क्रीनिंग से पहले हुए रितेश के इस लय भारी प्रमोशन से लगा सकते हैं, जो कि हुआ मुंबई के एक मॉल में। इसी अंदाज में फैंस ने रितेश को दिया अ ग्रैंड रिस्पॉन्स एट दिस मॉल प्रमोशन। जिससे रितेश 2 वाज ओवरवेल्म। हम सभी ने बहुत मेहनत की है एक अलग जॉनर मराठी के लिए लेकर आने की कोशिश की, जिस होप के लोग जाकर थिएटर में लय भारी ये फिल्म जाकर देखें। और एक विलन की रिलीज के बाद भी इस जैकेट में लय भारी का प्रमोशन करने की बात पर रितेश को सूझी ये मस्ती। ए विलन, ए विलन। Yes, you're saying something. और साथ ही उन्होंने एक विलन के 100 करोड़ मार्क टच करने की बात भी कह दी। एक विलन अभी भी चल रही है, अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, सो वेटिंग फॉर इट टू टच द मैजिक फिगर ऑफ 100। लेकिन बैक टू बैक फिल्मों के लॉन्ग प्रमोशंस के बीच कैसे रख रहे हैं रितेश वाइफ डियर जेनेलिया का ख्याल, इस बात पर रितेश हो गए एम्बैरस। या बिजी शेड्यूल मधून जेनेलिया कसे टेक केयर करतो? Well, he said he is managing it well. करतो है। वैसे जेनेलिया की खुशी देख तो indeed it seems so. And here's hoping कि आने वाले दिनों में भी रितेश और जेनेलिया की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इसी तरह लय भारी यानी फुल ऑन खुशियों से भरी रहे। सुरुचि महातपुरकर, कोरे जिंक, मुंबई।